नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 4,10,461 हो गई, जिसमें से 13,254 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2,27,755 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की आंखें हो सकती हैं खराब, हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने शुक्रवार को एक याचिका पर कहा कि लंबे समय तक ऑनलाइन पढ़ाई करने से बच्चों की आंखें खराब हो सकती हैं, इससे निपटने के लिए सरकार की क्या नीति है। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि अनलॉक वन की अवधि में स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत सरकार ने नहीं दी है, वहीं निजी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं ताकि ज्यादा फीस वसूल सके। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फीस के संबंध में कहा कि फीस के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है, सरकार को प्रयास करना चाहिए कि माता पिताओं पर ज्यादा असर न पड़े, संचालकों के साथ विमर्श कर सरकार को निर्णय करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को कोई भी फैसला लेने की शक्ति प्राप्त है। अगर स्कूल बंद हो तो केवल ट्यूशन फीस ली जा सकती है, लेकिन अन्य फीस वसूल नहीं की जा सकती। वह अगली बड़ी खबर, LAC पर भारतीय सेना को चीन के खिलाफ हर कार्रवाई की मिली खुली छूट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि सशस्त्र बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है। चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टरों में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया कल ही कह चुके हैं कि वायुसेना किसी भी चुनौती के लिए पूरे तरीके से तैयार है। वह अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में कोरोना वायरस के अब तक 54,000 से ज्यादा मामले, 4 जिलों में 12 दिन का लॉकडाउन शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के चेन्नई और इसके 3 पड़ोसी जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के मद्देनजर लगाया गया 12 दिन का पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया। आपको बता दें कि और इस दौरान राज्य की सड़कें सुनसान दिखी। चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपेट जिलों में सख्त प्रतिबंधों के साथ आज लॉकडाउन शुरू हो गया। आपको बता दें कि और यह 30 जून की आधी रात तक जारी रहेगा। राज्य के इन जिलों में कोरोना वायरस के मामले सबसे अधिक हैं। आपको बता दें कि राज्य में 25 मार्च को पहला लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बस सेवाएं, उपनगरीय EMU ट्रेनें और चेन्नई मेट्रो सेवाएं स्थगित हैं। तमिलनाडु में 12 दिन के पूर्ण लॉकडाउन का फैसला 15 जून को राज्य सचिवालय में मेडिकल पैनल के विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद हुआ। आपको बता दें कि पलानी स्वामी ने कहा कि 21 और 28 जून यानी रविवार को बिना किसी भी ढील के पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। वह अगली बड़ी खबर, PMC बैंक के जमाकर्ताओं को रिजर्व बैंक ने दी बड़ी राहत, अब 1,00,000 रुपए हुई निकासी की सीमा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अलावा 4 और सहकारी बैंकों के खाता धारकों के लिए निकासी की सीमा बढ़ा दी है। ये बैंक भी नियामकीय अंकुश के तहत आते हैं। इन बैंकों में बेंगलुरु स्थित श्री गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक नियमिता और कोल्हापुर का यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है। वहीं पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC बैंक के खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनके खातों से निकासी की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही RBI ने घोटाले का शिकार बने इस सहकारी बैंक पर नियामकीय अंकुश 6 महीने के लिए और बढ़ाकर 22 सितंबर तक कर दिया है। वह अगली बड़ी खबर, चीन को $17 अरब का झटका देने की तैयारी में भारत, चीनी आयात पर रोक लगाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां बदलेंगी नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के चलते चीन को बड़ा झटका देने के लिए सरकार जल्द ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम बनाने जा रही है। चीनी आयात पर अंकुश लगाने के मद्देनजर ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे उत्पाद को देश में बनाया जा रहा है या नहीं। सूत्रों का कहना है कि नए कानून में उत्पादों पर उसके मूल देश का नाम लिखना भी अनिवार्य किया जा सकता है। संभावना है कि भारत की ई-कॉमर्स पॉलिसी में इसे जल्द जोड़ा जा सकता है। इस बीच रियल एस्टेट संगठनों ने भी
चीनी उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि नई नीति आने के बाद ग्राहक फैसला कर सकेंगे कि वह भारत में बना सामान खरीदना चाहते हैं या नहीं। सूत्रों का कहना है कि इस नीति को जल्द ही आम लोगों को प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो चुके हैं। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से ई कॉमर्स को चीनी वस्तुओं की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है। भारत के कुल चीनी आयात में से करीब 17 अरब डॉलर का सामान खुदरा व्यापारी देश भर में बेचते हैं। वह अगली बड़ी खबर शुरू करें, बांस की बोतल लैंप या क्रॉकरी का बिजनेस मोदी सरकार कर रही है मदद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई थी। सरकार के इस कदम से बांस उद्योग में उछाल आ गया है। आपको बता दें कि आज बाजार में बांस से बनी क्रॉकरी खूब बिक रही है। बांस की बोतल, बांस के कपलेट, चम्मच, कांटा, थाली, स्ट्रॉ जैसे उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को भी कमाई करने के लिए एक नया फील्ड खुल चुका है। सरकार ने जब सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी तो उस समय बाजार में बांस से बने उत्पादों की बहार आ गई थी। खादी ग्राम उद्योग आयोग ने भी बांस की बोतल तैयार कर बाजार में उतारी थी। खादी ग्राम उद्योग आयोग खादी शहद जैसे कुटीर उद्योगों के साथ अब बांस उद्योग के विस्तार पर भी ध्यान दे रहा है। आपको बता दें कि खादी ग्राम उद्योग आयोग बांस मिशन के तहत लोगों को बांस के सामान तैयार करने की ट्रेनिंग तो दे रहा है, साथ ही काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराने में भी मदद कर रहा है। आपको बता दें कि इस बारे में और ज्यादा जानकारी आप खादी ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, मोबाइल से चाइनीज ऐप डिलीट करने पर मिल रहा फ्री में नाश्ता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत से पूरा देश गुस्से में है। चीन के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चीन की धोखेबाजी का बदला लेने की मांग की जा रही है। कहीं लोग चाइनीज वस्तुओं का विरोध कर रहे हैं तो कहीं बायकॉट चाइना के नाम से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में गुजरात के बड़ौदा में लोग चीन का अनूठे तरीके से विरोध कर रहे हैं। दरअसल यहां एक नमकीन की दुकान पर युवाओं को नाश्ते में फ्री नमकीन और जलेबी दी जा रही है। बस शर्त इतनी है कि आपको अपने मोबाइल से चाइनीज ऐप डिलीट करना होगा। इसके लिए बायकादा पोस्टर भी लगाए गए हैं। इस लुभावने ऑफर को देखकर लोग खुशी खुशी चाइनीज ऐप को डिलीट कर जलेबी का आनंद ले रहे हैं। खाने के साथ साथ चीन के विरोध करने का आइडिया निजामपुरा के दो युवाओं का है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। वह अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने उद्योगों से चीनी आयातित सामानों की सूची मांगी, मुहिम में राज्यों को साथ लेने की योजना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चीन के विरुद्ध आर्थिक तालाबंदी को और कारगर बनाने के लिए सरकार ने उद्योग जगत से चीनी आयातित सामानों की सूची मांगी है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि चीन से आयातित होने वाले गैर जरूरी सामान की पहचान करने और उसकी जगह देसी सामान को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सूत्रों ने बताया कि चीनी सामान की निर्भरता कम करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ऑटोमोबाइल, खिलौने, प्लास्टिक, फर्नीचर आदि से जुड़े व्यापार संघ के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि उद्योग संघों से इन क्षेत्रों में आयात होने वाली चीनी सामानों की विस्तृत सूची सोमवार तक देने को कहा है। एक सूत्र ने बताया कि सरकारी कंपनियों में चीनी सामानों और ठेके पर पाबंदी लगाने के बाद अब सरकार ने निजी कंपनियों की ओर रुख किया है। सरकार की तैयारी अब निजी कंपनियों में भी चीनी सामानों की बिक्री रोकने की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की चीनी उत्पादों के खिलाफ मुहिम तेज करने में राज्य सरकारों को भी साथ लेने की योजना है। केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों को अपने खरीद अनुबंधों में संशोधन करने के लिए कहा जा सकता है। आपको बता दें कि नए अनुबंध में यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को तरजीह मिले और चीनी कंपनियों को प्रवेश न मिले। केंद्र सरकार ने हाल ही में 200 करोड़ रुपए तक के ठेके में सिर्फ देसी कंपनियों के लिए आरक्षित कर दिया है। केंद्र की योजना है कि राज्य सरकारें भी अपनी खरीद में इस नियम को अपनाएं। वह अगली बड़ी खबर, आज लगातार 15वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जानिए कितनी बड़ी कीमत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से वृद्धि की गई। कीमतों में इजाफे का दौर लगातार जारी है। तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। रविवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.23 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमत में 60 पैसे की वृद्धि की गई और इसकी कीमत अब 78 रुपए
27 पैसे प्रति लीटर हो गई। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब आम जनता घर बैठे देख पाएगी मामले की सुनवाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिससे आम जनता घर बैठे ही कोर्ट की कार्यवाही को देख पाएगी। अब आसानी से पता चल पाएगा कि कोर्ट में किस केस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब से दिल्ली हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई को आम जनता लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकती है। हाई कोर्ट ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संकट के मौजूदा समय में कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। ऐसे में वो मामले जिनकी सुनवाई पहले खुली अदालत में होती थी, जिनमें आम जनता सुनवाई देखने के लिए मौजूद रह सकती थी, उन सभी मामलों की सुनवाई अब वीडियो लिंक के जरिए लोग देख और सुन सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कानून के तहत खुली अदालत में होने वाली सुनवाई की ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है, जिसे आम जनता को देखने का पूरा अधिकार होता है। वहीं मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपमाली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ साथ केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।